हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन राइजिंग का यहाँ पे नोटिस आ चुका है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के साथ ऑब्जेक्शन का जो लिंक है एक्टिवेट हो चुका है। हम लोग यहाँ पे एक एक करके सब जो भी यहाँ पे पहलू है उन सभी पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपको आना है कहाँ पे, तो इसका जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसके माध्यम से आप लोग डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पे ये पेज में सबसे ऊपर देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस आपको होगा और वेबसाइट है यही btsc.bih.nic। तो डायरेक्ट इस पेज पे आएंगे और जैसे ही नीचे आएंगे इसमें तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2019 जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे इस पर क्लिक करके ऑब्जेक्शन आप लोग यहाँ पे अपना अपना जो है कि स्कोर कार्ड देख सकते हैं, लेकिन उसके नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पे जाकर देखते हैं कि क्या कुछ इसमें अपडेट है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एंड यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे फिल क्या करना है। तो आपका यहाँ पे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड यहाँ पे इंटर आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे डमी जो है कि वेबसाइट पे डाला गया है इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, जो भी आपका फॉर्म पे जो फिलअप किए हैं बिल्कुल वही आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ उसी का मेंशन करना है। जस्ट नीचे आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दावा आपत्ति का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दावा आपत्ति दर्ज करने हैं तो BTSC के वेबसाइट पर URL के लिंक पे क्लिक करने के उपरांत लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर और जन्मतिथि पंजीकृत आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो कोई भी त्रुटि हो, आपका जो भी मिसमैच हो, जो आपने फॉर्म को फिलअप किया है और उसके उपरांत इसमें यदि कुछ भी मिसमैच हो तो फिर आप यहाँ पर दावा आपत्ति कर सकते हैं, अन्यथा आपको ऐसा ही रखना है, राइट, कुछ भी नहीं करना है आपको। अब रही बात यहाँ पे जो पोस्ट प्रिफ्रेंस की बात की गई है, पोस्ट प्रिफ्रेंस यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे मैंने बताया था कि सिविल का पहले ही पोस्ट प्रिफ्रेंस लिया जा चुका है और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले हैं उसका मैंने पहले ही बताया था कि कौन सा डिपार्टमेंट पहले आपको रखना है पोस्ट प्रिफ्रेंस से। तो खास करके लड़कियों के लिए मैंने उसे वीडियो में बताया था, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो पर जाकर क्लिक करके और देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है या डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही इसको जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट प्रिफ्रेंस डालेंगे, उसके बाद सेव डिपार्टमेंट कर लेंगे और आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे और सारे यहाँ पे अपडेट है, देखते हैं क्या कुछ है। तो राइज ऑब्जेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्शन करना होगा आप लोग इस पर क्लिक करके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो विभाग आवंटन है तो विकल्प चयन हेतु एक बार ही अनुमान होगा। तो ये सभी तो इंस्ट्रक्शन थे। और यदि दावा आपत्ति किए गए संबंधित फील्ड में समकक्ष चेक्स बॉक्स क्लिक करने के उपरांत नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्स में संबंधित विवरण डालकर सेव कर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो आपत्ति दर्ज उन्हीं को करना है जिसको किसी भी तरीके से इसमें मिसमैच हो, अन्यथा आपको कोई दावा आपत्ति कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो रही बात हम लोग चलते हैं जो है कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे। और तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे अपडेट आता है। अभी सर्वर अनेबल यहाँ पे दिखा रहा है, एक मिनट, डेस्कटॉप मोड करके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। स्लो चल रहा है, शायद अभी डला है और रिफ्रेश हो जाएगा पेज, आप लोग वेट करें थोड़ा। तो अभी सर्वर यहाँ पे अनअवेलेबल बता रहा है, जैसे ही एक्टिवेट होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें, लाइव चेक करेंगे कैसे कैसे आपको अराइज करना है, ऑब्जेक्शन करना है, जिनको ऑब्जेक्शन करना होगा और कैसे पोस्ट प्रिफ्रेंस डालेंगे, सब कुछ हम लोग लाइव करेंगे। तो चैनल कंटिन्यू बने रहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाकर पोस्ट प्रिफ्रेंस के बारे में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।